हाय, तो गाइस मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो से मुझे 1000 सब्सक्राइबर और करीब 2000 आवर वॉच टाइम गेन हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो से। एंड दैट वीडियो हैज गॉट ऑलमोस्ट 90,000 व्यूज सो फार। उस वीडियो से मुझे अभी तक 90,000 प्लस व्यूज मिल चुका है, ठीक है। तो अब सवाल यह आता कि आखिर मैंने उस वीडियो में ऐसा क्या ट्रिक इस्तेमाल किया था जिस कारण से मुझे एक ही वीडियो से इतना अच्छा खासा रिजल्ट मिला है और चैनल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा खासा हो रही है, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, क्योंकि मैं उस वीडियो को डिटेल में नहीं दिखा सकता। उसका थंबनेल एंड टाइटल को तो आपको नहीं दिखा सकता, बट उसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, प्लस वो वाले चैनल भी आपको नहीं दिखा सकता। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन जो भी मैंने उस वीडियो में स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया था, जो भी ट्रिक इस्तेमाल किया था, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार आओ शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, व्हेन आई पब्लिश्ड द वीडियो इट हैड 89 व्यूज विद इन 7 डेज। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद 7 दिन के अंदर मेरा 89 व्यूज आया था। उसके बाद मेरा अचानक से ऐसा क्या हुआ जिस कारण मुझे 90,000 प्लस व्यूज मिल चुका है और अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि कैसे क्या भाई, ये जल्दी से बताओ। सो गाइस देखो, मैंने दो चीज़ें वहाँ पर इम्प्रूव किया था 7 दिन के बाद, ठीक है, वीडियो अपलोड करने के 7 दिन के बाद। तो वो दोनों चीज़ें बताने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाइस देखो, कोई भी वीडियो पर अगर व्यूज़ आता है, अच्छा खासा व्यूज़ आता है, वायरल जाती है, तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है, सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है थंबनेल, एंड सेकंड जो रीज़न होता है टाइटल। इन दोनों चीज़ों से जो है वीडियो का व्यूज़ आता है एंड वायरल जाती है। अब आप एक चीज़ बताओ, आप जब यूट्यूब चलाते होंगे तो आपके साथ आपके होम पेज में बहुत सारे वीडियो शो करती है, लेकिन क्या आप सभी वीडियोस देखते हो? नहीं देखते हो ना। तो आप किस टाइप के वीडियो देखते हो जिसका थंबनेल एंड टाइटल थोड़ा सा अट्रैक्टिव होती है, आप उसी वीडियो पर क्लिक करते हो एंड उस वीडियो को वॉच कर लेते हो। सो देखो, अपन का कहने का जो मतलब है वो है कि सबसे पहला जो तरीका मैंने यूज़ किया था उस वीडियो में वो थंबनेल था। 7 दिन के बाद मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया था, ठीक है। तो मैंने 7 दिन के बाद उस वीडियो का एनालिटिक्स देखा, तो मुझे लगा यार इसमें क्लिक थ्रू रेट बहुत कम है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि थंबनेल को चेंज कर दिया, एंड दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ग्रोथ हुआ थोड़ा थोड़ा बढ़ा, ठीक है, उस वीडियो से। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके थंबनेल पर काम करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके थंबनेल पे काम करो और थंबनेल को कोशिश करो कि क्लीन एंड अट्रैक्टिव बनाने की, ठीक है। और जितना हो सके कोशिश करो 2 से 3 वर्ड उस थंबनेल में लिखो, ठीक है, अपने वीडियो से रिलेटेड, ताकि कोई भी बंदा अगर उस थंबनेल को देखेगा और उसके अंदर जो भी मतलब कि टेक्स्ट लिखा रहेगा उसे पढ़ के उस बंदे को लगना चाहिए कि इस वीडियो के पीछे कुछ ना कुछ तो माल मसाला छुपा होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ द पॉइंट कि उसके बाद वो बंदा क्लिक करेगा आपके वीडियो को एंड वॉच कर लेगा। तो सबसे पहला जो थिंग था वो थंबनेल, एंड सेकंड थिंग टाइटल। उस वीडियो का टाइटल भी मैंने 7 दिन के बाद चेंज किया था, उसके बाद उतना अच्छे खासा रिजल्ट मिला था, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक को जाकर यूट्यूब पर सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद जो भी वीडियो सबसे टॉप पर आती है उस वीडियो का टाइटल को हम कॉपी करते हैं और अपने वीडियो के अंदर पेस्ट कर देते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसे हम लोग कभी नहीं करना चाहिए। अब गाइस देखो, गलती इसे नहीं कह सकते हैं, इसे एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं कि हमें कुछ स्टेप से बताया गया है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलते हैं, वो क्या बताते हैं कि आप जाओ किसी के जिसके भी टाइटल सबसे टॉप पर आती है उसको कॉपी करो, अपने वीडियो में लगाओ, व्यूज़ आएंगे। अरे घंटा यार व्यूज़ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है और 0.01% भी इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ये गलती आपसे नहीं करनी है। आप टाइटल को शॉर्ट रखो, जितना हो सके शॉर्ट रखो, लेकिन थोड़ा सा आई कैची होना चाहिए, मतलब कि कोई भी बंदा अगर उस टाइटल को पढ़ता है तो उस बंदे को लगना चाहिए कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। अब गाइस इनका टाइटल देखो, और इनका टाइटल पे आप लोगों को देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वीडियो में होने वाला है, और ये टाइटल कोई इंडियन यूट्यूबर ने लगाया है, ये सब US क्रिएटर्स है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर अभी इनके ही वीडियोज़ देख रहा हूँ और ये लोग काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज देते हैं, तो मैं अब इनके ही वीडियोज़ को देख रहा हूँ, ना कि इंडियन यूट्यूबर्स को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनका मतलब व्यूज़ होते हैं, ना कि व्यूअर्स से। तो गाइस आप जितना हो सके शॉर्ट बनाने की कोशिश करो टाइटल को, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखो कि तो जितना ज़्यादा आप एक वीडियो में मतलब कि एनालाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगी और उतना ज़्यादा आप जल्दी से सीख पाओगे, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें मैंने उस वीडियो में यूज़ किया था और इतना अच्छे से मुझे रिजल्ट मिला था। बाय द वे गाइस, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर थंबनेल और टाइटल सही है, अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, तो फिर ये दोनों कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो कंटेंट को भी लेवल अप करो, प्लस थंबनेल टाइटल को आपको काम करना ही है, ठीक है। सो जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करो, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जितना हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश
करो एंड हर दिन कुछ नया ट्राई करते रहो कि आज अगर मैंने वीडियो बनाया ये वाली वीडियो तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कल इससे भी बेटर बनाऊंगा, कल उससे भी बेटर बनाऊंगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बस यही दोनों चीजें होती है, ना कि कोई ट्रिक होती है। बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं बट इन सब चीजों के बारे में आपको फंसना ही नहीं है। और एक चीज जाते जाते बस एक ही बात करना चाहता हूँ कि आपको व्यूज और सब्सक्राइबर के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्टेंट के पीछे भागना है, उसके बाद व्यूज और सब्सक्राइबर जगमार के पीछे आने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आप लोग समझ गए। तो मिलते हैं कुछ ऐसे शानदार वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।